नॉर्मल दाल चावल बाहर के लोगों को इतना तीखा क्यों लगता है? क्यों इसराइल के लोग संडे को भी मंडे ही मानते हैं? और ऐसा कौन सा देश है जहाँ लोग अपनी नाक से लिखते हैं? ऐसे ही और भी चीजें जानने के लिए बने रहने वाले कैंट। नंबर 10, इसराइल देश में संडे भी एक नॉर्मल दिन होता है। यहाँ पर जाने पर आपको संडे मंडे किसी भी दिन का फर्क ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस दिन सबके सब काम पर जाते हैं। और यहाँ इंडिया में हर संडे फैमिली का कोई ना कोई प्लान बन ही जाता है। नंबर 9, हम जो इंडिया में दाल चावल या रोटी सब्जी खाते हैं वो बाहर के लोगों को बहुत तीखा लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते। वो खाने में बस प्लेन नमक ही पसंद करते हैं। तो सोचिए अगर वो पानी पूरी जैसी चीज खाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। नंबर 8, इंडिया में बार्गेन करना बहुत ही आम बात है। इंडिया में लोग 1000 की चीज को 300 में ले लेते हैं, लेकिन वहीं पर बाहर की कंट्री में बार्गेन करने का नामो निशान नहीं है। वो लोग चीजों को डायरेक्ट 20 प्राइस पर ही खरीद लेते हैं, और वहाँ पर बार्गेन करना इंडियन कल्चर जैसा बन गया है। नंबर 7, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है कि इंडोनेशिया में अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी को 2-3 महीने यहाँ तक कि 1-2 साल तक भेज रखा जाता है, और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। और ये डेड बॉडी को तब तक घर में ही रखते हैं और उसे एक मरे हुए व्यक्ति के नहीं बल्कि बीमार व्यक्ति जैसा ट्रीट करते हैं। नंबर 6, आपने इंडिया में गली क्रिकेट खेला होगा, पर वही इंडिया के बाहर गली क्रिकेट खेलने जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यहाँ पर अगर आपको कोई गेम खेलना है तो उसके लिए प्रोफेशनल ग्राउंड पर ही खेलते हैं, यानी कि अगर किसी को क्रिकेट खेलना है तो लोग प्रोफेशनल ग्राउंड में ही खेलते हैं, और अगर कोई और गेम खेलना है तो उसके लिए कोर्ट में ही खेलते हैं। इनको पता नहीं है कि ये कितना फन मिस कर रहे हैं। वैसे आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल का एक गेम है, हमें 300 के सब्स मार्च 1 से पहले कंप्लीट करने हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 5, अगर आप मलेशिया में किसी को उंगली करके दिखाते हो तो वहाँ के लोग उसे एक गाली की तरह मानते हैं, और अगर आप कभी भी वहाँ जाते हो तो आपको कुछ पॉइंट आउट करने के लिए उंगली की जगह अपना अंगूठा इस्तेमाल करना है, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पर जाकर उंगली से चीजें पॉइंट आउट करके बताते हैं, तो उन लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और आप समझ लीजिए कि उंगली से कोई भी चीज पॉइंट आउट करके बताना यहाँ पर गाली के समान होता है। नंबर 4, इंडिया में तो हम पेन हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन वहीं पर इंग्लैंड में एक ट्रेंड चला था जिसमें लोग पेन अपने नाक में पकड़ रहे थे। जी हाँ, ये काफी वियर्ड है। लोग अपने नाक में और कान में कितने ज्यादा पेन फिट कर सकते हैं उसका चैलेंज कर रहे थे, और ये चैलेंज वायरल हो गया। फिर सब ऐसा करने लगे, और कुछ लोग तो अपने नाक में पेन डालकर लिखने की कोशिश कर रहे थे, जो कि काफी डेंजरस है, क्योंकि इससे वो नाक में फंस सकते हैं और लोगों को फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। नंबर 3, इंडिया में अगर जोर क्रॉस करना है तो लोग अपना ही हैंड सिग्नल दिखा के जोर क्रॉस करते हैं, पर बाकी सारी कंट्री में जब तक रेड लाइट नहीं होती तब तक कोई जोर क्रॉस नहीं करता, लेकिन इंडिया में थोड़ा गैप भी दिख जाता है तो फिर लोग रोड क्रॉस कर देते हैं, जिसे काफी हादसे भी होते हैं, लेकिन लोग फिर भी ऐसा करते हैं। नंबर 2, इंडिया में न्यू बॉर्न बेबी की काफी केयर की जाती है, पर स्पेन में ऐसा नहीं है। यहाँ पहले तो बेबी को सुलाया जाता है और उसके ऊपर डेविल मास्क पहन के लोग कूदने की कोशिश करते हैं। दरअसल उनका मानना है कि इसमें से एक व्यक्ति डेविल होता है जो कि बच्चों के सारे बुरे लक को ले लेता है और अच्छे लक को देता है, लेकिन इस चक्कर में बच्चे को काफी रिस्क में डाला जाता है। नंबर 1, फिनलैंड में आपको कई जगह पर रास्ते में बेबी स्ट्रोलर दिखने को मिल जाएंगे जिसमें बच्चे सो रहे होंगे और पेरेंट्स उनसे कई दूर शॉपिंग या फिर अपना काम कर रहे होंगे। और कमाल की बात तो ये है कि इसके बावजूद भी ये बच्चे बिल्कुल सेफ होते हैं। यहाँ पर किडनैपिंग जैसी चीज ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। वैसे वीडियो खत्म होने से पहले एक बोनस पॉइंट, इंडिया में लोग अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। अच्छे जॉब लगने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, पर बाहर के कंट्रीज में 18-20 साल होते ही बच्चे अपने माँ बाप को टाटा बाय बाय कह देते हैं और अपनी अलग जिंदगी शुरू कर देते हैं। खुद का रेंट पर अपार्टमेंट देते हैं और अपने दम पर ही उसे चलाते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में पेन से लिखा जाता है, और बाहर की कुछ कंट्री में ये अलग काम भी आते हैं। दरअसल कई कंट्रीज में पेन को नाभि में डालकर मसाज की जाती है, और आज भी कई लोग ऐसा करते हैं। माना जाता है कि इस मसाज से पेट दर्द कम हो सकता है और शरीर के कई पार्ट में दर्द कम हो जाता है।